हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, और जैसा कि हमने पहला चैप्टर अपना भौतिक राशि में मात्र कंप्लीट कर लिया है, और आज हम अपने दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है गति। ठीक है, गति से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने पहले चैप्टर में देखी थी, जैसे गति, वेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ठीक है, चाल क्या होती है, ये सारी हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ नहीं कवर करने वाले हैं, हम उन चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो अन्य आपकी गति से रिलेटेड टॉपिक हैं और क्वेश्चन आपको इससे कहाँ से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर, गति। तो यहाँ पर पहला देखिए, दो तीन चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक है वृत्ति गति क्या होती है, प्रक्षेप गति क्या होती है, और न्यूटन के गति विषयक नियम। ये आपका अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इन एग्जाम्स के लिए हम आपको जो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं वृत्ति गति क्या होती है। वृत्ति गति देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में, ठीक है, किस मार्ग में, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग यानी कि ऐसे, इसमें अगर कोई वस्तु गति कर रही है इस एंगल में, ठीक है, तो उस गति को हम बोले देंगे वृत्ताकार मार्ग में गति करने वाली वस्तु को हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में जो होते हैं दो बल कार्य करते हैं, एक अपकेंद्री बल एक अभिकेंद्री बल। ठीक है, अभिकेंद्री बल जो होता है, देखिए यहां पर आपका अभी केंद्री बल, अभिकेंद्री बल जो होता है वो आपका वृत्ताकार मार्ग में जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो वो उसके केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है उस वस्तु पर वो बोली जाती है अभिकेंद्री बल। दूसरा इसमें होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल जो होता है वो अभिकेंद्री बल के विपरीत होता है, यानी कि जैसे अभिकेंद्री बल वो आपके किसी वस्तु के जो उस वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर बल लग रहा होगा, जबकि अपकेंद्री बल वो केंद्र से विपरीत दिशा की ओर यानी कि बाहर की ओर लग रहा होगा। आप इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अब मैं बताऊं, अगर अपकेंद्री बल का एग्जाम्पल दूं तो आपको जो कपड़े सुखाने वाली जो मशीनें आती हैं, ठीक है, वो सभी क्या होती हैं, आपके अपकेंद्री बल पर काम करती हैं। और ठीक इसी तरह जो आपके दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन आती है वो भी अभिकेंद्री बल का ही एग्जाम्पल है। तो आपको कई बार हो सकता है एग्जाम्पल पूछ लिए जाए कि जैसे कपड़े सुखाने वाली मशीन किस नियम पर आधारित होती है, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा अपकेंद्री बल पर वो कार्य करती है। जबकि अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है अभिकेंद्री बल के क्या एग्जाम्पल है, अगर आपने देखा होगा जो घुमावदार सड़कें बनी होती हैं, ठीक है, या आपके जो रेलवे ट्रैक घुमावदार बने होते हैं, जो ट्रैक बनाए जाते हैं तो आपके थोड़ा सा एंगल है, आपको तिरछे हुए बनाए जाते हैं। एक आपका जो दो सड़क के किनारे होंगे, एक किनारे जो होगा वो थोड़ा सा झुका हुआ होगा और एक किनारे थोड़ा सा उठा हुआ होगा। तो ये एंगल क्या होगा, आपको एक वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर जो होता है बल को लगाने की कोशिश करता है, तो आपको जो होता है आसानी से किसी वस्तु के केंद्र में आ जाते हैं अगर वो एक तरफ झुका हुआ हो। तो इसी तरह इस बल पर काम करता है अभिकेंद्रीय बल। तो हमने यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल देखिए, अब केंद्रीय बल के एग्जाम्पल जैसे रेलवे ट्रैक या सड़कों का घुमावदार बना होना और उसका एक सिरा झुका हुआ और एक सिरा उठा हुआ होना, जबकि अब केंद्रीय बल के एग्जाम्पल के रूप में हमने चर्चा की यहाँ पर कपड़े सुखाने वाली मशीन का और दूसरे मक्खन निकालने की जो मशीनें होती हैं वो आपके अब केंद्रीय बल की कार्य करती हैं। तो वृत्ति गति हमने ये देख लिया कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्ति गति कहते हैं। इस वृत्ति गति में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल जो होते हैं वो आपके केंद्र की ओर लगता है, जबकि अपकेंद्री बल ठीक केंद्र से विपरीत दिशा में लगता है, और उनके एग्जाम्पल की हमने चर्चा कर ली। तो चलिए पहला आपका पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है गति का। सेकेंड पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति क्या होती है उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए प्रक्षेप गति के बारे में देखिए क्या लिखा है। जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई पिंड पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर, यहां पर आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी में एक हो सकता है ऊंचाई दी हुई है, उस ऊंचाई पर क्या करना है आपको, उस ऊंचाई से सतह के समानांतर, ये आपकी जिस ऊंचाई पर खड़े इसी सतह के समानांतर आपको, अर्थात यानी कि क्षैतिज दिशा में इस ऐसे आपको कोई वस्तु फेंकी जाए तो उसकी गति को प्रक्षेप गति बोली जाती है। आपको एक समानांतर
वस्तु को फेंकना है, ठीक है, तो उस गति को बोला जाता है प्रक्षेप गति। ये लगभग आपको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उस गति को प्रक्षेप गति बोल देता है, और एक वो मैक्सिमम दूरी पर जाने की उसकी आशंका, यानी हम कहें अगर मैक्सिमम दूरी किसी चीज़ को फेंकना है और मैक्सिमम दूरी वो तय करें तो उसको हम किस एंगल में फेंका जाना चाहिए, तो उस वस्तु को अगर हम 45 डिग्री यानी कि प्रक्षेप गति के तौर पर अगर हम फेंकें तो मैक्सिमम दूरी वो तय करेगी। चलिए अब बात करते हैं हम न्यूटन के, यहाँ पे दो चीज़ें हमने कवर कर लिया, वृत्ति गति और प्रक्षेप गति। आप एक दो बार इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको एग्जांपल में समझेंगे तो फिजिक्स काफ़ी चीज़ें या कोई भी सब्जेक्ट बड़े आसानी तरीके से हम समझ सकते हैं। और कई बार नियम आपको एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाएंगे, हो सकता है कई बार आपको नियम पूछ लिए जाएँ, जैसे प्रक्षेप गति क्या होता है तो आपको परिभाषा भी पूछी जा सकती है, या आपको एग्जाम्पल वे में भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इसी तरह आपका वृत्ति गति के बारे में भी है, वृत्ति गति क्या होती है, या आप केंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को पढ़ते चलिए और आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। हम यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो यहाँ पर एग्ज़ाम में आ सकता है या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो जो चीज़ें आ सकती हैं वही चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के गति नियमों की चर्चा कर लेते हैं। न्यूटन की गति, वैसे आप लोगों ने अगर 10 तक चीज़ें एग्ज़ाम पढ़ी हैं वहाँ चीज़ें आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम फिर से हम एक चीज़ों को रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं और इनके कुछ एग्जांपल भी सेट कर लेते हैं या देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके न्यूटन के गति नियम ना पूछे जाएं और वहाँ पर आपके एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं, तो हम उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन के गति के नियम। प्रथम नियम क्या कहते हैं, यहाँ पर इनके 3 नियम हैं, ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। इन तीनों नियमों को हम एक एक करके चर्चा करते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहेगी, या फिर अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो वो तब तक वो उसी समान एक ही समान चाल से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। यानी अगर आप तो जैसे कोई वस्तु अगर आपने कहीं पर वस्तु किसी भी स्थान पर रखी हुई है और आप चाहते हैं कि वो वस्तु वहाँ से अगर आगे बढ़ना है या उसको हटाना है तो उस पर कहीं ना कहीं आपको बाहरी फोर्स लगाना होगा। जैसे आप अपने घर में अगर कभी साफ सफाई करने जाइए तो आपके जैसे रेफ्रिजरेटर रखा है, फ्रिज रखी है, या फिर आपका अन्य कोई सामान रखा है, तो वहाँ पर तब तक बना रहेगा जब तक आप वहाँ पर अपना फोर्स लगाकर उस चीज़ को हटाकर दूसरे स्थान पर नहीं रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप 45 मान लीजिए आप किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहे हैं, वो तब तक उसी स्पीड पर रहेगी जब तक आप उसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाते नहीं, बाहरी फोर्स आप अपनी तरफ से फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो उसी स्पीड से चलती रहेगी। या अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक आप उस स्पीड को और फोर्स लगाकर गतिमान नहीं करते हैं। तो यही चीज़ बताता है आपका प्रथम नियम, आपका न्यूटन का गति का प्रथम नियम यही चीज़ आपको दर्शाता है। यहाँ आप देखिए, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि किसी सरल रेखा से एक समान चाल में चल रही है तो वो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, ठीक है, यहाँ पर देखिए बाह्य बल की चर्चा की गई है, यदि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे हम दो चीज़ें और हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आपको पूछ लिया जा सकता है कि जड़त्व का नियम कौन सा है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम, या आपका प्रथम नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, या अन्य से आपको अन्य कोई नियम डाले जा सकते हैं। तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। चलिए तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें हमें और अच्छे तरीके से याद रह जाएँ। जैसे आप रेलगाड़ियों में या बस में चढ़ते होंगे, ठीक है, और अचानक जैसे गाड़ी नहीं रुक रही या पर्टिकुलर स्टेशन नहीं रुक रही तो आप क्या करते हैं, वहाँ से उस ट्रेन से अचानक से उतर जाते हैं या आप पे छलांग लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, चलती रेलगाड़ी या बस से अगर आप छलांग लगाएंगे तो वह व्यक्ति क्या होगा, आगे की ओर गिर जाएगा। और ये आपका एग्जाम्पल है चढ़ते या प्रथम नियम का, वहाँ पर आपने बाहरी फोर्स लगाया वरना आप उसी गति से चढ़ते रहते, आपने ज़्यादा फोर्स लगाया और उस गति से आप आगे की ओर निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया आपका प्रथम नियम की चर्चा हमने कर ली। इसी तरह आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल, ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान, ठीक है, यहाँ मान लिखा हुआ है, वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण, त्वरण की बात की गई है और द्रव्यमान की बात की गई है, दो चीज़ें, ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा,
ठीक है, यहां पर किसी वस्तु के में कार्य करने वाले बल का मान, उस वस्तु में क्या कितना उसका द्रव्यमान है और उस वस्तु के ट्रेवल करते उसमें क्या त्वरण, कितना त्वरण उत्पन्न हुआ है, उन दोनों का जो गुणनफल आएगा उसको हम न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप लोग क्रिकेट अगर देखते होंगे तो आपने देखा होगा जब क्रिकेटर कैच आता है, ठीक है, जब बॉल हवा में ट्रेवल कर रही होती है और कोई फील्डर उसके नीचे आता है तो कैच करते समय आपने देखा होगा, तो कैच करते ही अपने हाथों को थोड़ा पीछे की ओर लेता है और वो जो होता है वो उसी कारण लेता है क्योंकि आपका यहाँ पर उसका द्रव्यमान और उस ट्रैवल करने कारण जो उसका उत्पन्न त्वरण हुआ है, ठीक है, उन दोनों का त्वरण पूर्ण उसको मैनेज करने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को पीछे की ओर अपने हाथों को ट्रैवल करता है ताकि वो आसानी से उस चीज़ को पकड़ सके। नहीं तो कई बार होता है आपका बड़ी तेज़ी से गेंद आती है और अगर आप स्थिर रहते हैं तो वहाँ पर टकरा कर वो गेंद नीचे गिर जाती है, इसीलिए वो उस गति को मैनेज करने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर लेते हैं और ये आपको द्वितीय नियम दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये एग्जाम्पल देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, क्रिकेटर के द्वारा गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को थोड़ा पीछे कर लेना है, आपके द्वितीय नियम को दर्शाता है। चलिए लास्ट अब नियम की ओर बढ़ते हैं, तृतीय नियम क्या कहता है, तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया हो, ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो नियम हो रहा है अगर आप कोई चीज़ करोगे तो उसके विपरीत में एक दूसरी क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में ही प्रतिक्रिया होती है जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल में आइए देख लेते हैं, बंदूक से आप अगर बंदूक चलाई या देखी होगी शूटिंग करते हुए तो लोगों को देखा होगा झटके से पीछे हटते हुए, तो क्या करती है जब आप बंदूक से फायर करते हो तो बंदूक का क्या होता है, एक क्रिया होती है, आप एक फोर्स वहां से निकलता है, उसको मैनेज करने के लिए फोर्स आपकी बंदूक जो होती है आपको पीछे की ओर धक्का मारती है और आप पीछे हट जाते हैं। तो नियम क्या करती है, एक क्रिया आपने की, बंदूक से आपने चलाई, उसका ट्रिगर दबाया और उसने उसकी प्रतिक्रिया में क्या किया, आपको एक धक्का दिया, ठीक है, तो वहां पर जो ये नियम काम करता है वो उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि न्यूटन का तृतीय नियम को और किस संज्ञा से जानते हैं या किस नाम से जानते हैं तो आप ध्यान रखिएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, आपको एग्जाम्पल में भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ये दिया जाए कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, ये न्यूटन के किस नियम को इंगित करता है या दर्शाता है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा ये न्यूटन का तृतीय नियम की ओर दर्शाता है। ठीक इसी तरह ये एग्जाम्पल दिया जा सकता है, क्रिकेटर को जो गेंद कैच करते समय अपने हाथों को पीछे करता है वो किस नियम को दर्शाता है, द्वितीय नियम को, चलती रेलगाड़ी से पीछे आगे आपको कूद जाना और आपको आगे की ओर चलना ये प्रथम नियम को दर्शाता है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल को जरूर एक दो बार चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपकी परिभाषा के बारे में चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने गति विषयक द्वितीय चैप्टर को यहाँ पर देख लिया है कि वृत्तिगत क्या होती है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं, प्रक्षेपगत क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल हमने देख लिए, फिर न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों की चर्चा कर ली और उनसे रिलेटेड किस तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं और उनके एग्जाम्पल की भी हमने चर्चा कर ली। ठीक है, थैंक यू सो मच।